नववर्ष के अवसर पर शहर में होने वाली भीड़भाड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 31 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से 1 जनवरी रात्रि 11 बजे तक रूट डायवर्जन किया गया है, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि महाराजगंज फरेंदा पीपीगंज से गोरखनाथ मंदिर को आने वाले सभी बस और चारपहिया वाहन बरगदवा से भगवानपुर स्पोर्ट्स कॉलेज खजांची चौराहा पादरी बाजार कौवा बाग मोहद्दीपुर होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। यातायात तिराहा धर्मशाला चौराहे से गोरखनाथ मंदिर की तरफ जाने वाले सभी दोपहिया एवं चारपहिया वाहन धर्मशाला गंगेर दुर्गाबाड़ी सुभाष चंद्र बोस नगर ग्रीन सिटी मोड़ होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। जेपी हॉस्पिटल से गोरखनाथ ओवर ब्रिज से गोरखनाथ मंदिर की ओर जाने वाले सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे तथा दुर्गाबाड़ी सुभाष चंद्र बोस नगर ग्रीन सिटी माल होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे तथा बरगदवा चौराहे से धर्मशाला चौराहे तक आने वाले सभी वाहन सूरजकुंड ओवर ब्रिज दुर्गाबाड़ी गंगेश धर्मशाला होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे तथा पैडलेगंज चौराहे से नौकायान की तरफ जाने वाले वाहन अमर उजाला तिराहा होकर अपने गंतव्य को जाएंगे। बरगदवा से गोरखनाथ मंदिर जाने वाले सभी वाहन औद्योगिक संस्थान मोड़ से रामनगर तिराहा होकर अपने गंतव्य को जाएंगे। उन्होंने वाहनों की पार्किंग को लेकर बताया कि पैडलेगंज से नौकायान जाने वाली सभी बस चंपा देवी पार्क में खड़ी होंगी तथा दोपहिया एवं चारपहिया वाहन बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के चारों तरफ सड़क पर खड़े होंगे। वहीं सभी दोपहिया वाहन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में खड़े होंगे तथा चिड़ियाघर जाने वाले वाहन सहारा स्टेट व चिड़ियाघर के दाहिने तरफ खाली मैदान में खड़े होंगे। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि 2023 के उल्लास को सुरक्षित वैज्ञानिक नैतिक एवं सौहार्दपूर्ण मनाएं। रात्रि 10 बजे के बाद डीजे न बजाएं, शराब पीकर वाहन न चलाएं। गाड़ी को संबंधित होटल माल व्यावसायिक प्रतिष्ठान रामगढ़ताल चिड़ियाघर के निर्धारित पार्किंग में करें तथा बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन न चलाएं और दोपहिया वाहन पर ट्रिपल सवारी न चलें तथा यातायात नियमों का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, नया वर्ष 2023 के शुभ आगमन पर नागरिकों को कोई परेशानी ना हो। अधिकांश लोग नए वर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए 31 तारीख की शाम के लिए और 1 जनवरी के लिए विभिन्न होटलों में और विभिन्न धार्मिक स्थलों पर, अन्य मनोरंजन के स्थानों पर, मॉल्स में, सिनेमाग्रह वगैरह में, बाजारों में लोग जाते हैं। इसके लिए यातायात पुलिस द्वारा, गोरखपुर पुलिस द्वारा जगह जगह पे पिकेट्स की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक पुलिस को सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर तैनात किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से गोरखनाथ मंदिर की तरफ जो लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं उनके वाहनों के अतिरिक्त सभी वाहनों को बरगदवा से आगे आने नहीं दिया जाएगा। बरगदवा से वो भगवानपुर और स्पोर्ट्स कॉलेज खजांची चौराहा और पादरी बाजार कौवा बाग मोहद्दीपुर होते हुए जाएंगे, जिनको बाहर जाना है और जिनके लिए अंदर शहर की तरफ आना है वो ग्रीन सिटी मोड़, सुभाष चंद्र बोस नगर कॉलोनी, सूरजकुंड ओवर ब्रिज, दुर्गावाड़ी, गैंगेज और धर्मशाला होकर शहर में अंदर आ सकते हैं। इसी प्रकार यातायात तिराहा धर्मशाला से जाने वाले वाहन भी ग्रीन सिटी मोड़ होके ही जाएंगे। इंडस्ट्रियल मोड़ की तरफ से दोपहिया तीन पहिया चार पहिया वाहन रामनगर चौराहे स्पोर्ट्स कॉलेज से अपने गंतव्य की ओर जाएंगे और पार्किंग की व्यवस्था गोरखनाथ मंदिर की तरफ जाने वाले लोगों के लिए आरपीएफ ग्राउंड में की गई है और बरगदवा की तरफ से जो लोग मंदिर आएंगे उनके लिए ITI मोड़ से रामनगर तिराहा और रामनगर तिराहा से लेवा तिराहा तक उनके वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। नववर्ष के दिन रामगढ़ ताल नौकायन और चिड़ियाघर पर भी काफ़ी भीड़ होती है तो पैडलेगंज चौराहा की तरफ से आने वाले वाहन अमर उजाला तिराहा होके देवरिया की तरफ जाएंगे या नौसों की तरफ जाएंगे और हनुमान मंदिर देवरिया बाईपास की तरफ से आने वाले वाहन भी अमर उजाला तिराहा होके पैडलेगंज जाएं या नौसों की तरफ जाएं। जिन लोगों के लिए सामान्य रूप से वहां जाना है उनके लिए प्रवेश प्रतिबंधित है, केवल ये पर्यटक लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है।
और पार्किंग की व्यवस्था चंपा देवी पार्क में बड़े वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है, कारों के पार्किंग की व्यवस्था बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के पास की गई है और टू व्हीलर्स के पार्किंग की व्यवस्था दिग्विजयनाथ पार्क में की गई है और चिड़ियाघर पर आने वाले दर्शकों के वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था वो चिड़ियाघर की जो निर्धारित पार्किंग है चिड़ियाघर के सामने उसमें खड़ा करें या सड़क के उस पर ठीक सामने दाहिनी तरफ एक खाली बगीचा है वहाँ पे रैंप बना के पार्किंग की व्यवस्था की गई है, तो सभी लोग निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़ा करें ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। इसके अतिरिक्त जो लोग विभिन्न प्रकार के होटल या मॉल में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जाएंगे उनसे सभी से अनुरोध है कि अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल में ही लगाएं, सड़क पर वाहन ना लगाएं। तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, इससे आपका स्वयं का जीवन भी खतरे में है और उन लोगों के जीवन को भी आप रिस्क में डाल रहे हैं जो जिनका कोई दोष नहीं है। अतः सभी से अनुरोध है कि शराब पी के वाहन ना चलाएं तथा आवश्यकों को वाहन ना दें और गार्जियंस की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के लिए कार रेस मोटरसाइकिल रेस करने से स्टंटिंग करने से रोकें। गोरखपुर पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, कृपया व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग दें। थैंक यू।